नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का किसान खबरी की एक नई वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आयसर के 548 ट्रैक्टर के बारे में। दरअसल किसान भाई, ये जो ट्रैक्टर एक 49 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको एक 49 हॉर्स पावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए तो मेरे हिसाब से ये ट्रैक्टर आपके लिए काफी बड़े चॉइस रहेगा। आप इस ट्रैक्टर में से रोटावेटर, थ्रेशर, हैरो, रीपर और भी कई सारे जो इम्प्लीमेंट है काफी आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस काफी बढ़िया देता है, एवरेज अच्छा देता है। इस ट्रैक्टर में आपको केवल टू व्हील ड्राइव वेंट ही मिलता है, इस ट्रैक्टर में आपको फोर व्हील ड्राइव वेंट नहीं मिलता है। आप इस ट्रैक्टर की मदद से खेती के रोजमर्रा के काम काफी आसानी से कर सकते हैं। ट्रैक्टर जो काम काफी बढ़िया निकालता है, परफॉर्मेंस काफी अच्छी देता है और परफॉर्मेंस के साथ साथ एवरेज भी काफी बढ़िया देता है। इस ट्रैक्टर में आपको काफी बढ़िया फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। इस ट्रैक्टर की बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया दी गई है और इस ट्रैक्टर को टेक्नोलॉजी के मामले में काफी ज्यादा एडवांस रखा गया है और ये सभी बढ़िया फीचर्स आपको बजट में भी मिल जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की कीमत के बारे में। तो इस ट्रैक्टर की जो कीमत तकरीबन 6,70,000 से लेकर 7,20,000 के बीच में रहती है। इस ट्रैक्टर की जो कीमत है कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि कृषि यंत्रों की जो कीमत फिक्स नहीं होती, कम ज़्यादा होती रहती है। अलग अलग राज्यों का अलग अलग टैक्सेस होते हैं, चार्जेस होते हैं, इस वजह से भी कीमत जो वेरी कर सकती है। तो मैंने जो आपको कीमत बताई इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि तकरीबन इतने बजट में ट्रैक्टर आपको पड़ेगा। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर इंजन के बारे में। जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, ये जो ट्रैक्टर 49 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है, इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 36.04 किलोवाट की एनर्जी जनरेट करता है। इंजन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको आयसर का एयर कूल्ड इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन के सिलेंडर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिल जाता है। इंजन की कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2,945 सीसी की पावर जनरेट करता है। आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर जो इंजन है तकरीबन 2200 आरपीएम जनरेट करता है। और एयर फिल्टर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 4 स्टेज ऑयल बैड टाइप वाला एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप देखने को मिल जाता है। और कूलिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको एयर कूल्ड कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बड़ी इंजन जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर क्लच के टाइप के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको सिंगल और डुअल क्लच दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्लच टाइप जो चुन सकते हैं। ट्रांसमिशन के टाइप की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको पार्शियल कांस्टेंट मैच वाला ट्रांसमिशन टाइप देखने को मिल जाता है। और गैलीवर की पोजीशन की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गैलीवर की पोजीशन देखने को मिल जाती है। अगर हम बात कर सकते हैं गियर के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफी बढ़िया गियर बॉक्स जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। गियर बॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया मानी जाती है और गियर की जो शिफ्टिंग वगैरह वो भी काफी स्मूथली होती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की स्पीड के बारे में। तो फॉरवर्ड गियर पे ये जो ट्रैक्टर है तकरीबन 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लेके तकरीबन 32.35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक भाग सकता है। काफी अच्छी फॉरवर्ड स्पीड इस ट्रैक्टर में आपको देखने को मिल जाती है। और इस ट्रैक्टर ब्रेकिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको सील्ड ड्राई डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं और इसमें आपको मल्टी डिस्क ऑलएमएस ब्रेक देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ब्रेकिंग सिस्टम जो चुन सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, मेरी सलाह यही रहेगी आप जो इस ट्रैक्टर को तेल में डूबे ब्रेकिंग सिस्टम के साथ लीजिएगा, क्योंकि ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है और बहुत ही ज़्यादा भरोसेमंद होता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर हाइड्रोलिक्स के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर की मैक्सिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी के बारे में तो वो तकरीबन 1650 किलोग्राम, तो काफ़ी बढ़िया लिफ्टिंग कैपेसिटी जो इस ट्रैक्टर में दी गई है। इस ट्रैक्टर लिफ्ट में आपको ड्राफ्ट, पोजिशन और रिस्पॉन्स कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर स्टीयरिंग के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको मैकेनिकल स्टीयरिंग और पावर स्टीयरिंग दोनों का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्टीयरिंग टाइप जो चुन सकते हैं। फिलहाल किसान भाई, मेरी सलाह यही रहेगी आप इस ट्रैक्टर को पावर स्टीयरिंग के साथ लीजिएगा, क्योंकि आजकल पावर स्टीयरिंग काफ़ी कॉमन हो चुके हैं और इससे आपकी कहने के ट्रैक्टर की जो रीसेल वैल्यू वो भी बढ़ जाती है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 45 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। एक 49 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर के हिसाब से फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो छोटा है, लेकिन अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर एवरेज के बारे में तो एवरेज ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया देता है और एवरेज के साथ साथ परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया देता है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूल टैंक का जो साइज़ है वो बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि एक 49 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है। अगर आप इस ट्रैक्टर को कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बार बार जो है टंकी रिफिल करनी पड़ेगी, लेकिन एवरेज और परफॉर्मेंस के मामले में अगर आप देखें तो ट्रैक्टर काफ़ी बढ़िया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर पीटू के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर पीटू के टाइप के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको लाइव 6 स्प्रिंग शाफ्ट वाला पीटू टाइप देखने को मिल जाता है। पीटू के आरपीएम की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर पीटू तकरीबन 540 आरपीएम जनरेट करता है, जब इंजन रेटेड आरपीएम जो 1944 हो। और पीटू के हॉर्स पावर की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर पीटू तकरीबन 40.8 हॉर्स पावर की पावर जनरेट करता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो काफ़ी बढ़िया पीटू जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। आप इस ट्रैक्टर में पीटू के मदद से रोटावेटर, थ्रेशर, रीपर और भी कई सारे जो इम्प्लीमेंट है काफ़ी आसानी से चला सकते हैं। ट्रैक्टर जो पीटू पे काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर टायर के साइज़ के बारे में। अगर हम बात करें ट्रैक्टर फ्रंट टायर के साइज़ के बारे में तो इस ट्रैक्टर में आपको 6x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। और इसमें आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इसमें आपको 7.5x16 का फ्रंट टायर साइज देखने को मिल जाता है। और इस ट्रैक्टर के पिछले टायर के साइज़ की अगर हम बात करें तो इस ट्रैक्टर में आपको 14.9x28 का पिछला टायर साइज देखने को मिल जाता है।
तो अगर आप ओवरऑल देखें तो 49 हॉर्सपावर के ट्रैक्टर के हिसाब से काफ़ी बड़े टायर साइज जो इस ट्रैक्टर में दिया गया है। चलिए हम बात करते हैं इस ट्रैक्टर डायमेंशन वेट के बारे में। अगर हम बात करें इस ट्रैक्टर टोटल वजन के बारे में तो वो तकरीबन 2100 किलोग्राम, ओवरऑल लंबाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 3650 mm, ओवरऑल चौड़ाई की अगर हम बात करें वो तकरीबन 1780 mm, ओवरऑल हाइट की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2210 mm, और व्हील बेस की अगर हम बात करें वो तकरीबन 2010 mm। मैंने आपको बाजू में इंच में भी जानकारी दे रखी है, आप वो भी रीड कर सकते हैं, उससे आपको एक्यूरेट आइडिया लग जाएगा कि कितना इस ट्रैक्टर का साइज है। चलिए हम बात करते हैं ट्रैक्टर वारंटी के बारे में। तो इस ट्रैक्टर में आपको तकरीबन 2 साल की वारंटी देने को मिल जाती है, जो कि एक बजट में आने वाले ट्रैक्टर के हिसाब से सफिशियंट है। फिलहाल आजकल कई सारी कंपनी जो 5-5, 6-6 साल की वारंटी दे रही है, वो सब एक मार्केटिंग टेक्निक है, कहीं ना कहीं आपसे कीमत में और बाकी अदर चार्जेस लगा के पैसे वसूल लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 2 साल की जो वारंटी सफिशियंट है, और मुझे नहीं लगता कि 5-6 साल तक कोई बड़ा मेजर मेंटेनेंस का खर्चा इस ट्रैक्टर में निकलेगा। ट्रैक्टर जो बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस माना जाता है, और आयसर कंपनी जो है सर्विस भी काफ़ी बड़ी प्रोवाइड करती है। इनके ट्रैक्टर के जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं वो भी आपको काफ़ी आसानी से मिल जाते हैं, और यही कारण है इनके जो बाकी अदर पुराने ट्रैक्टर्स हैं वो भी आपको चालू हालत में मिल जाएंगे। तो किसान भाई, इतनी जानकारी आयसर के 548 ट्रैक्टर के बारे में। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि यह ट्रैक्टर आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। किसान भाई, अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आपको 49 हॉर्सपावर तक की रेंज का ट्रैक्टर चाहिए, तो मेरे हिसाब से ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी बड़ी चॉइस हो सकता है। ये ट्रैक्टर जो परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देता है, एवरेज भी बढ़िया देता है, लो मेंटेनेंस माना जाता है। आप इस ट्रैक्टर में से रोटावेटर, थ्रेशर, सुपर सीडर या फिर बाकी इंप्लीमेंट जो काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, और खेती के जो रोजमर्रा के काम है ये ट्रैक्टर काफ़ी आसानी से कर सकता है। तो अगर आप इस ट्रैक्टर को खरीदने का सोच रहे हैं तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। तो फिलहाल के समय इतनी जानकारी आयसर के 548 ट्रैक्टर के बारे में। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक अपने चैनल किसान खबरी को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि सभी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। किसान भाई, हमने आयसर के बाकी ट्रैक्टर्स पर ऑलरेडी वीडियो बना रखे हैं, तो आप अपने चैनल किसान खबरी पर जाकर देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।